हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपना IMEI नंबर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं मेमो प्लेयर में। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम परफॉर्मेंस देखेंगे इसकी। हम ये भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस, इसकी रैम वगैरह। तो मैं अभी चेंज नहीं कर रही। मोबाइल आप टैबलेट भी रख सकते हैं, मोबाइल भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसका फ्रेम भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पूरी मेमो प्लेयर की सेटिंग्स बता रही हूँ, मुझे किसी ने बोला था तो उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। ये लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने इंग्लिश रखा हुआ है, आप कोई और भी रख सकते हैं। एडवांस में मैं आपको दिखा देती हूँ। आप डिवाइस का मोड चेंज कर सकते, मॉडल नंबर चेंज कर सकते हैं। मैं ये देख लें, यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी मॉडल नंबर्स हैं। उससे पहले मैं कस्टम करके आपको दिखाती हूँ, थोड़ा वेट करें, मैं आपको कुछ दिखाऊं। मैं आपको अभी मेमो प्लेयर के जो भी IMEI नंबर वगैरह हैं वो मैं आपको दिखा दूँ कि अभी कौन से हैं, उसके बाद कैसे चेंज हो जाएगा। ओह सॉरी, ये देखें अभी ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें डिवाइस जो है उसका नाम है सैमसंग S1 और IMEI नंबर क्या है, ID क्या है, एंड्रॉयड ID क्या है, ये सब आप अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको दिखाती हूँ। स्क्रीनशॉट निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं अपने पास रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ऐसा प्रूफ दिखाऊंगी कि ये सब कुछ चेंज होता है कि नहीं होता, ठीक है। फिर से मैं सेटिंग में आ गई, एडवांस में। अभी मैं यहाँ पे कस्टम करके, यहाँ पे बहुत सारे दूसरे मोबाइल के मॉडल्स हैं लेकिन मैं आपको कस्टम करके दिखाती हूँ। मैं अपने मर्ज़ी का कोई भी मॉडल नंबर यहाँ पे रख के दिखाती हूँ आपको, आप कोई भी दूसरा भी रख सकते हो। मैं ओप्पो A37F रखती हूँ। यहाँ पे आप सिम के ऑपरेटर का भी चेंज कर सकते हैं, मैंने मोबाइलिंग कर लिया। आप अपना नंबर भी, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं इसको जनरेट को दबा के, और IMEI नंबर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मैंने जनरेट कर दिया। नेटवर्क में आपके हॉटस्पॉट चेंज कर सकते हैं, DNS सेटिंग और मैक एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप, ये फजूल है, चलें इसको सेव कर लेते हैं। रीस्टार्ट नाउ। अभी आप देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट जो निकाला था वो मैंने साइड पे रखा हुआ है, और अभी मैं आपको डिवाइस ID दिखाती हूँ, आप ये दोनों मैच कीजिएगा। ये देखें, मैंने ओप्पो A37F रखा था, ये डिवाइस इन्फो। ये आप अपने मोबाइल में भी सेट करके देखना, आपके अपने मोबाइल का भी वो वही मॉडल नंबर वगैरह बताएगा, ठीक है। ये मैंने चेंज किया है यहाँ पर, ठीक है। IMEI नंबर भी चेंज हो गया है और ये भी चेंज हो गया, हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम करते हैं। ये ख़ास मैंने किसी के बोलने पे ये वीडियो बनाई है, उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। उसके अलावा ये देखें, यहाँ से आप अपनी एंड्रॉयड ID भी चेंज कर सकते हैं। देखें, पहले ओरिजिनल ID दूसरी थी और नाव में दूसरी है। अभी आपको इंस्टेंट चेंज तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तो आपको चेंज नज़र आ जाएगा कि मतलब पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। अभी तो ये इंस्टेंट आपको चेंज नहीं नज़र आएगा, सॉरी अभी नहीं आएगा, रीस्टार्ट करने के बाद आपको नाउ और उसमें आएगा, ठीक है। मैं इसको बंद कर रही हूँ। चलें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप दूसरा एंड्रॉयड कैसे बना सकते हैं, ये भी मुझे उन्होंने बोला था तो मैं आपको ये भी अभी बता देती हूँ। मल्टी मेमो में आप जाएंगे, जब आप मेमो इंस्टॉल करेंगे मेमो प्लेयर तो उसमें आ जाएगा, क्रिएट पे क्लिक करके, और ऐसे बनता है, ठीक है। अभी ये जब 100% हो जाएगा तो ये खुद ही मेमो 5 के नाम से न्यू एंड्रॉयड बन जाएगा, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये चलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।